पहले स्टार्ट करते हैं, कंप्रेशन मेंबर हम पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कंप्रेशन मेंबर को डिस्कस किया था, ठीक है। क्या क्या डिस्कस किया था, कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, ठीक है, और परमिसिबल स्ट्रेसेस हम कैसे निकालते हैं एक्सियल कंप्रेशन में, इफेक्टिव लेंथ के लिए भी हमने क्राइटेरिया देखा था और मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा सा प्रीवियस क्लास के एक जो टॉपिक मैंने आपको बताया था, स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर, क्लियर। कंप्रेशन मेंबर का जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। ये ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को समझाना है आपको, इसलिए मैंने फिर से यहाँ पे बताया है कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर मुझे परमिसिबल स्ट्रेसेस निकालना है तो ये मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला का हम यूज करते हैं और विद द हेल्प ऑफ मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला हम सिग्मा एसी को फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। ये समझा था हमने, ये फॉर्मूला हमारा था परमिसिबल स्ट्रेसेस का, कैसे निकालना है अपने को परमिसिबल स्ट्रेसेस, कैसे निकालते थे, सिग्मा एसी इक्वल्स टू 0.6 इंटू एफ सी सी इंटू एफ वाई अपॉन एफ सी सी की पावर एन इंटू एफ वाई की पावर एन और होल पावर 1/n, ठीक है। और यहां पर जो n की वैल्यू आपकी थी, वो n की वैल्यू आपकी थी 1.4, कितनी थी आपकी 1.4 आपकी वैल्यू यहां पे थी। अब जो एफ सी सी आपका यहां पे था, ये एफ सी सी आपका क्या था, एफ सी सी आपका था इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कंप्रेशन, क्लियर, यही था ना एफ सी सी। और इसी एफ सी सी को आप यूलर स्ट्रेसेस भी बोलते हो, क्या बोलते हो, यूलर स्ट्रेस भी बोलते हो। यूलर स्ट्रेस आपकी क्या होती है, हाँ, यूलर स्ट्रेस, ठीक है। और यूलर स्ट्रेस हमने कल पढ़ी थी, क्या थी, पाई स्क्वायर इंटू ई डिवाइड बाई लेमडा का स्क्वायर, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। लेमडा आपका क्या होता है, लेमडा आपका होता है स्लेंडरनेस रेशियो, लेमडा आपका क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो। और इसको आपने क्या पढ़ा था, L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम, यही पढ़ा था, ठीक है। इतना हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ था। अब नेक्स्ट आप यहां पे समझो, R मिनिमम जो आपका होता है, R मिनिमम ये आपका क्या है, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आर मिनिमम की वैल्यू की अगर मैं बात करूं कि आर मिनिमम आपका क्या होगा, तो आर मिनिमम आपका होता है आई मिनिमम डिवाइड बाई ग्रॉस एरिया, यही होता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन यहां पे अपन ने ये भी देखा था कि जो आपका ये फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं कॉलम की, तो कॉलम की स्ट्रेंथ होती है सिग्मा एसी इंटू ए, तो जितनी ज्यादा आपको स्ट्रेसेस की वैल्यू मिलेगी उतनी ज्यादा आपके कॉलम की स्ट्रेंथ होगी। तो जो सिग्मा एसी है वो आपके कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, ये भी हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, किया था या नहीं, क्या डिस्कस किया था हमने, हमने किया था कि अगर ये आई मिनिमम की वैल्यू आपको ज्यादा मिले, अगर आई मिनिमम की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी तो आर मिनिमम की वैल्यू भी आपको ज्यादा मिलेगी, और आर मिनिमम की वैल्यू अगर ज्यादा मिलेगी तो एल इफेक्टिव आपका क्या होगा, सॉरी एल इफेक्टिव बोल रहा हूं, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा, कम होगा, स्लेंडरनेस रेशियो कम होगा तो एफसीसी आपको ज्यादा मिलेगा, और एफसीसी आपको ज्यादा मिलेगा तो अल्टीमेटली सिग्मा एसी भी आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ये हमने कल की क्लास में देखा था, हम फिर से वो कंडीशन यहां पे लिख रहे हैं। क्या बोला मैंने
कि जो आपका आई मिनिमम है वो आई मिनिमम आपको ज्यादा मिला, तो आई मिनिमम ज्यादा मिलने से आपका आर मिनिमम जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा। आर मिनिमम अगर ज्यादा मिलेगा तो आपका लैम्डा जो है वो आपको कम मिलेगा। लैम्डा आपको क्या मिलेगा? लैम्डा आपको कम मिलेगा। और लैम्डा अगर आपको कम मिलेगा तो क्या होगा? एफसीसी आपको ज्यादा मिलेगा। और एफसीसी अगर ज्यादा मिलेगा तो सिग्मा एसी भी आपको ज्यादा मिलेगा। मिलेगा, ये कंडीशन अपन ने देखी। तो अब क्वेश्चन मेरा ये है कि हम जब कॉलम को बनाएंगे सेक्शंस का, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन का हम यूज करेंगे स्टीम सेक्शंस का, क्लियर? तो ये जो आई मिनिमम है, ये आई मिनिमम आप किस सेक्शंस के लिए क्या लोगे? ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या है कि जैसे अगर मैंने बोला कि रोल्ड सेक्शन आपका आई सेक्शन है, रोल्ड सेक्शन है आपका आई, उसमें आपका आई मिनिमम क्या होगा? तो ये आई मिनिमम आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आई मिनिमम क्या आपको लेना है? ठीक है, तो चलो अपन सबसे पहले ये आई सेक्शन की यहां पे बात करते हैं। क्लियर, ये रोल्ड आई सेक्शन आपका यहां पे बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका रोल्ड स्टील आई सेक्शन। ठीक है, अब आपको ये तो पता है आई सेक्शन की अपन बात कर रहे हैं, ये आपका फ्लेंज कहलाता है, ये आपका वेव कहलाता है, ये भी आपका क्या कहलाता है? फ्लेंज कहलाता है। ठीक है, आई सेक्शन जो आपका होता है, अगर मैं वाई वाई एक्सिस को यहां पे बनाऊं, ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल है। ठीक है, और ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी होगी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो आप यहां पे, ये हो गई है आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई है आपकी वाई एक्सिस, हो गई है। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात करूं तो आपके पास एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मतलब आई एक्स एक्स आपके पास होगा, और दूसरा आपके पास क्या होगा? आई बाई बाई होगा, होगा। तो अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये है कि आई एक्स एक्स और आई बाई बाई आपके पास दोनों हैं, तो आई मिनिमम यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, आई मिनिमम आपका यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, आई मिनिमम आपका यहाँ पर क्या होगा? तो देखो, आई मिनिमम की अगर मैं बात करूं, आपको करना क्या है? आई एक्स एक्स आप फाइंड आउट कर लोगे, आई बाई वाई आप फाइंड आउट कर लोगे, तो आई मिनिमम आप क्या ले लोगे? आई मिनिमम आपका होगा मिनिमम ऑफ आई एक्स एक्स और आई बाई वाई, दोनों एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने लिया हुआ है, उन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका आई मिनिमम होगा इस आई सेक्शन के लिए। क्या होगा? इस आई सेक्शन के लिए वो आपका क्या हो जाएगा? मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये आपका फ्लेंज है, तो मार्क करना हो तो कर सकते हो आप, ठीक है, अदरवाइज अभी नीड नहीं है इस चीज की। ये आपका हो जाएगा विड्थ ऑफ फ्लेंज, ठीक है, ये आपका थिकनेस ऑफ फ्लेंज हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थिकनेस ऑफ वेव, ठीक है, और ये आपका डेप्थ ऑफ वेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आई सेक्शन है, अगर आप आई सेक्शन को लोगे तो आई मिनिमम आप क्या लोगे? आई एक्स एक्स और आई वाई वाई में जो आपका मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू होगी, वो इसके लिए आई मिनिमम आपका हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया रोल्ड स्टील आई सेक्शन के लिए बात। ठीक है, अब आते हैं अपन एंगल सेक्शन पर। ठीक है, अब अपन किस पर आते हैं? एंगल सेक्शन पे आते हैं। अच्छा, एंगल सेक्शन के बारे में आपको पता है, ये आपका क्या होता है? लेग लेंथ होती है,
और ये भी आपकी लेग लेंथ होती है और ये आपकी थिकनेस होती है। क्लियर। अब जो एंगल सेक्शन आपके होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। क्लियर। एंगल सेक्शन की भी बात करूं तो इक्वल एंगल सेक्शन होता है और अनइक्वल एंगल सेक्शन होता है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं कि एंगल जो आपका होता है ना, एंगल सेक्शन जो आपका होता है, तो इस एंगल सेक्शन में दो आपके एंगल सेक्शन होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका इक्वल एंगल और दूसरा होता है आपका अनइक्वल एंगल। इक्वल एंगल मतलब कि दोनों ही जो लेग आपके हैं उन दोनों की जो लेंथ रहेगी वो सेम रहेगी, अनइक्वल में दोनों की लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये एंगल सेक्शन आपका हो गया। अब एंगल सेक्शन में अगर मैं सीजी की बात करूं, ठीक है, तो देखो आप सीजी की अगर मैं बात करूं, तो इसकी जो सीजी होगी वो कहीं आपकी क्या करेगी, यहां कहीं लाई करेगी, करेगी। ठीक है, तो अगर आपने स्टील टेबल को कभी ध्यान से देखा हो, ठीक है, तो इसमें एंगल सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो एंगल सेक्शन के अंदर जो हम निकालते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके लिए दो नई एक्सेस इन्होंने डेवलप की हुई है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। एक तो आपकी ये एक्सेस आती है, इसको इन्होंने नाम दिया है यू यू एक्सेस। क्या नाम दिया है? यू यू एक्सेस। और दूसरी एक्सेस की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम देखते हैं अपन, ठीक है, दूसरी एक्सेस का जो नाम है वो है आपका वी एक्सेस। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होगा कि आप क्या करोगे, आई यू यू एक्सेस को फाइंड आउट कर लोगे, आप आई वी एक्सेस को फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो यहां इस सेक्शन के लिए जो आई मिनिमम आपका होगा वो आपका होगा आई वी वी। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आई यू यू की आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगी, आई वी वी की वैल्यू कम मिलेगी। तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया कि इस सेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस सेक्शन में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होगा वो आपका आई वी वी होगा। क्लियर, मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस वीवी एक्सेस के अबाउट आपको मिलने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना सभी को? हाँ बताओ जल्दी से, क्लियर है ना? ठीक है, याद रखना है वीवी एक्सेस के अबाउट आपको मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा एंगल सेक्शन की जब हम बात करें। क्लियर। नेक्स्ट, अब अपन चैनल सेक्शन पे आते हैं। आपका चैनल सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, और चैनल सेक्शन में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो एक्सेस आपकी आ रही है, ठीक है, ये जो एक्सेस आपकी आ रही है, ये एक्सेस आपकी हो जाएगी क्या, ये एक्सेस हो जाएगी आपकी एक्स एक्स, ठीक है, और दूसरा ये जो एक्सेस आपकी है ये आपकी हो जाएगी वाई वाई एक्सेस हो जाएगी। तो यहां पे भी सेम रहेगा, चैनल सेक्शन में एक्स एक्स एक्सेस आपके पास है, वाई वाई एक्सेस आपके पास है, तो आप क्या करोगे, आप एक्स एक्सेस के अबाउट फाइंड आउट कर लोगे और आई बाई बाई के अबाउट आप फाइंड आउट कर लोगे। फाइंड आउट करने के बाद आप एक चीज यहां पे नोटिस करोगे कि जो आई एक्स एक्स आपका निकलेगा, जो आई एक्स एक्स की वैल्यू निकलेगी वो आपको ज्यादा मिलेगी किससे, आई बाई बाई से। आई एक्स एक्स की वैल्यू आई बाई बाई से ज्यादा मिलेगा तो आप डायरेक्टली यहां पे बोलोगे कि आई मिनिमम जो हमारा होगा वो हमारा अबाउट बाई बाई एक्सेस आएगा।
क्या आएगा, आई बाई वाई आएगा चैनल सेक्शन में अगर अपन बात करें। ठीक है, ऐसा क्यों बोला मैंने आई एक्स एक्स की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी, आई एक्स एक्स की वैल्यू ज्यादा इसलिए मिल रही है क्योंकि देखो ये जो एक्स एक्स आपकी एक्सिस है दैट इज द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये जो सेक्शन आपका है, ये आपका सेक्शन कैसा है, सिमेट्रिक सेक्शन, सेक्शन कैसा है आपका, सिमेट्रिक सेक्शन है, इसलिए आई एक्स एक्स की वैल्यू आपको ज्यादा मिलने वाली, मेजर एक्सिस के अबाउट आपको वैल्यू जो मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पर बोल दिया कि भाई आई मिनिमम जो आपका होगा वो वाई वाई एक्सिस के अबाउट आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा टी सेक्शन यहाँ पे आता है। ठीक है, टी सेक्शन में देखो अब क्या हो रहा है, ठीक है ये जो एक्सेस आपकी आ रही है ये आपकी बाई बाई एक्सेस हो गई है और ये जो एक्सेस है आपकी ये आपकी हो गई है एक्स एक्सेस। ठीक है, तो देखो यहां पर आप आई एक्स एक्स आई बाई बाई इसकी वैल्यू को निकाल दोगे। लेकिन मैं यहां पे बोलूंगा आपको कि जो आई मिनिमम आपका होगा वो होगा आपका आई एक्स एक्स के बराबर। ऐसा क्यों मैंने बोल दिया, ऐसा मैंने क्यों बोल दिया, क्योंकि यहां पर जो आपकी वाई वाई एक्सेस है, जो आपकी वाई वाई एक्सेस है ये आपकी क्या है, मेजर एक्सेस, ये आपकी कैसी एक्सेस है, मेजर एक्सेस है। अच्छा मेजर एक्सेस आप किसको बोल देते हो, सेक्शन सिमेट्रिक आपका हो जाता है उस एक्सेस के अबाउट, क्लियर, बिकॉज सेक्शन इज ए सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट आपका जो सेक्शन है वो आपका कैसा है, सिमेट्रिक है, इसलिए यह एक्सिस हमारी मेजर एक्सिस है। ठीक है, तो हमारा आई मिनिमम किस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा, आई बाई वाई के अबाउट, सॉरी आई एक्स एक्स के अबाउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप यहां पर चलो इसमें प्रॉपर इमेज नहीं मिल रही है, ठीक है अपन पहले समझ लेते हैं। अब देखो जब मैं कॉलम बनाता हूं
तो मैं क्या करता हूं, कॉम्बिनेशन में स्ट्रक्चर को यूज करता हूं। क्या करता हूं, कॉम्बिनेशन में स्ट्रक्चर को यूज करता हूं। तो मैंने क्या किया, एक चैनल सेक्शन को लिया और यहां पे एक दूसरे चैनल सेक्शन को लिया और इसको बैक टू बैक मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बैक टू बैक कॉम्बिनेशन, अपन यहां पे नाम दे देते हैं इसको, बैक टू बैक कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं अपन, बैक टू बैक कॉम्बिनेशन। क्लियर, जब आप कॉम्बिनेशन में सेक्शंस को यूज करोगे तो बैक टू बैक कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, तो बैक टू बैक कॉम्बिनेशन के लिए भी आपको आई मिनिमम चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो बैक टू बैक कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, इसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है, बैक टू बैक कॉम्बिनेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक चैनल सेक्शन लिया, एक दूसरा चैनल सेक्शन लिया और हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं एक इंडिविजुअल चैनल की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ इंडिविजुअल चैनल की, यहाँ पे बात करता हूँ, समझना, तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी, एक मिनट इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी x x एक्सिस। ठीक है, इंडिविजुअल चैनल सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो इंडिविजुअल चैनल सेक्शन के लिए एस की क्या हो जाएगी, सीजी हो जाएगी, और यहां पर भी एस की क्या हो जाएगी, सीजी हो जाएगी, मतलब डेट इज द बाई बाई एक्सेस, दोनों इंडिविजुअल्स के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बाई बाई एक्सेस हो जाएगी। लेकिन हमने जब इसको बैक टू बैक कनेक्ट किया, क्या किया, बैक टू बैक जब मैंने इसको कनेक्ट किया, तो ये जो बाई एक्सेस है ये आपकी क्या करेगी, ये शिफ्ट करेगी, करेगी ना, ये क्या करेगी, आपकी बाई बाई एक्सेस जो है वो आपकी शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट होके कहां आ जाएगी, वो शिफ्ट होके आ गई आपकी यहां। क्लियर, तो ये जो आपका निकलेगा डेट इज द कंबाइंड सीजी, ये पॉइंट जो आपका है ये आपका कंबाइंड सीजी है। क्लियर, और ये वाला जो सीजी आप देख रहे हो ना, ये आपका इंडिविजुअल सीजी है सेक्शन का। क्लियर, सीजी ऑफ इंडिविजुअल चैनल सेक्शन, ये क्या बोल दोगे आप, सीजी ऑफ इंडिविजुअल चैनल सेक्शन। ठीक है, और ये जो आपका है ये आपका हो जाएगा सीजी ऑफ कंबाइंड सेक्शन, ये आपका क्या हो गया, सीजी ऑफ कंबाइंड सेक्शन आपका हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये बैक टू बैक अपन ने यहां पे कनेक्ट किए हैं, तो सपोज मैंने आपको यहां पे बोला है कि ये जो हमारी स्पेसिंग इनके बीच में रहेगी, ये स्पेसिंग हमारी क्या कहलाती है, एस, ये हमारी एस स्पेसिंग हो गई है, और इस सीजी से यहां तक की जो डिस्टेंस आपकी होती है, ठीक है, इस इंडिविजुअल जो चैनल सेक्शन आपका होता है ना, उससे यहां तक की जो ये डिस्टेंस होती है, रेड कलर से मैंने मार्क जो किया है, हाँ, ये आपका क्या कहलाता है, जैसे बाई एक्सिस की अपन बात कर रहे हैं तो ये सी बाई बाई हो गया। क्लियर, एक्स एक्सिस की अगर बात करते तो हम इसको फिर सी एक्स एक्स लिखते, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सी बाई बाई। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब जैसे सपोज अगर मैं मानूं कि ये जो चैनल सेक्शन आपका है, ठीक है, और ये चैनल सेक्शन जो आपका है ये मैंने मान लो आईएससी 200 यूज किया है, ठीक है, मान लो एज्यूम कर लिया मैंने यहां पे, ठीक है, ऐसा लिख देता हूं, एज्यूम कर लिया मैंने, और एज्यूम मैंने ये किया कि ये जो चैनल सेक्शन आपका है आईएससी इंडियन स्टैंडर्ड चैनल आपका कौन सा है, 200। क्लियर, आईएससी 200 है,
तो स्टील टेबल जब मैं उठाऊंगा तो स्टील टेबल के अंदर मुझे क्या क्या मिल जाएगा, स्टील टेबल के अंदर मुझे इस चैनल सेक्शन का आई एक्स एक्स वन, वन यहां पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं एक सेक्शन की बात कर रहा हूं, कंबाइंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो आई एक्स एक्स वन मुझे मिल जाएगा स्टील टेबल के अंदर, ठीक है। और मुझे क्या मिल जाएगा, और मुझे मिल जाएगा आई बाई बाई वन बाई एक्सेस के अबाउट भी मिल जाएगा। सिमिलरली आर एक्स एक्स मुझे मिल जाएगा, आर एक्स एक्स मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन एक्स एक्स एक्सेस के अबाउट, ये किसी इंडिविजुअल सेक्शन की बात कर रहे हैं। आर बाई बाई वन भी मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आर बाई बाई वन भी मुझे मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो मुझे सी एक्स एक्स वन की वैल्यू भी मिल जाएगी और सी बाई बाई वन की वैल्यू भी मुझे मिल जाएगी। तो ये जो सारी वैल्यू मैं यहाँ पे बता रहा हूं जो आपको, ये सब कहाँ मिलने वाली है, ये सब मिलने वाली है आपको स्टील टेबल के अंदर इस सेक्शन की प्रॉपर्टी में। क्लियर, कहाँ पे मिलने वाली है, स्टील टेबल के अंदर इस सेक्शन की प्रॉपर्टी में मुझे ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। लेकिन आप खुद सोच के देखो, अब हमने ये इंडिविजुअल सेक्शन की बात की है, लेकिन हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं। और जब हम कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे तो मुझे कॉम्बिनेशन में आई एक्स एक्स निकालना पड़ेगा, आई वाई वाई निकालना पड़ेगा, आर एक्स एक्स निकालना पड़ेगा, आर वाई वाई निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, मतलब सारी चीजें मुझे कॉम्बिनेशन में चाहिए। तो कॉम्बिनेशन में आप कैसे निकालोगे, हाँ कॉम्बिनेशन में आप कैसे निकालोगे, क्लियर। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं कि भाई जब चैनल सेक्शन की मैं बात करता हूं तो चैनल सेक्शन में जो हमारा आई मिनिमम होता है वो आई मिनिमम क्या होता है, ये चैनल सेक्शन है, इसके अंदर आई मिनिमम हमने पढ़ा था आई बाई बाई आपका होता है, होता है क्या होता है, आई बाई बाई आपका होता है। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, क्या लिखोगे आप यहाँ पे कि भाई हमारा जो आई मिनिमम कॉम्बी होगा, समझना यहां ध्यान से, हमारा जो आई मिनिमम कॉम्बी, कॉम्बी मतलब कि कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, आई मिनिमम जो हमारा कॉम्बी होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा मिनिमम ऑफ आई एक्स एक्स कॉम्बी और आई वाई वाई कॉम्बी। क्लियर, मतलब आपको आई एक्स एक्स कॉम्बी भी निकालना है, आई वाई वाई कॉम्बी भी निकालना है, और उन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका आई मिनिमम कॉम्बी कहलाएगा। लेकिन वी नो डेट, हम जानते हैं कि भाई हमारा जो आई मिनिमम कॉम्बी निकल के आएगा वो आई मिनिमम कॉम्बी हमारा निकल के आएगा आई बाई बाई कॉम्बी के बराबर, इसके बराबर निकल के आएगा, आई बाई बाई कॉम्बी के बराबर निकल के आएगा, आएगा। अब ये आपको आई मिनिमम कॉम्बी निकालना है तो मुझे आई बाई बाई कॉम्बी निकालना पड़ेगा, आई बाई बाई कॉम्बी हम कैसे निकालेंगे, हाँ कैसे निकालेंगे, तो देखो डिटरमाइन आई बाई बाई कॉम्बी, आई वाई वाई कॉम्बी को आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है, कैसे करोगे, बी यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात मैं कर रहा हूं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपकी क्या कहलाती है, हाँ क्या होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपका होता है आई डैश इक्वल्स टू आई प्लस ए इंटू बाई स्क्वायर, ये आपकी होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम को आप लगा के आई बाई बाई कॉम्बी को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हैं ना। तो कैसे करेंगे,
देखो आई डैश आपका क्या हो जाएगा, आई डैश जो आपका होगा वो हो जाएगा आपका आई बाई बाई कॉम बी, वो क्या हो जाएगा आपका आई बाई बाई कॉम बी। तो आई बाई बाई आई बाई बाई कॉम बी जो आपका है वो आपका हो जाएगा आई, आई क्या है अब देखो आप कॉम्बिनेशन में लिखना है तो आई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखो बाई बाई एक्सिस के अबाउट अगर हम लिख रहे हैं ठीक है, तो इसका इंडिविजुअल आई बाई 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 वन हो जाएगा और इसका भी इंडिविजुअल आई बाई बाई वन हो जाएगा, मतलब टोटल कितने हो गए टू आई बाई बाई वन आपके हो गए हैं ठीक है। तो आई आपका क्या हो जाएगा टू आई बाई बाई वन लिख दिया ठीक है, प्लस एरिया, एरिया की अगर मैं बात करूं तो इस इंडिविजुअल सेक्शन का एरिया इस इंडिविजुअल सेक्शन का एरिया कंबाइन में आपके टू हो जाएंगे, हो जाएंगे तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा टू ए वन ठीक है। अब ये बाई स्क्वायर, बाई आपका क्या होता है, ये बाई आपका होता है भाई सीजी से डिस्टेंस ठीक है। अब आप सीजी से डिस्टेंस की यहां पर बात करोगे तो आप देखो सीजी से डिस्टेंस, सीजी से डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, ये होगी सीजी से डिस्टेंस। और ये सीजी से डिस्टेंस मतलब ये जो बाई एक्सेस है कितनी शिफ्ट हो रही है आपकी यहाँ पे वो आपको निकालना है, तो आप क्या बोलोगे कितनी हो रही है सी बाई बाई प्लस एस बाई टू, इतना आपका शिफ्ट हो रहा है ये एक्सेस, तो डेट इज द सीजी से डिस्टेंस आपकी हो गई है ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे बाई स्क्वायर आपका हो जाएगा क्या सी बाई बाई ठीक है, क्या हो जाएगा सी बाई बाई प्लस एस बाई टू का स्क्वायर ठीक है, ये निकल आया आपका आई बाई बाई कॉम्बी। और आई बाई बाई कॉम्बी आपका होता है जो वो किसके बराबर होता है वो आपका सॉरी आई बाई बाई कॉम्बी जो होता है वही आपका आई मिनिमम कॉम्बी होता है, तो आई मिनिमम कॉम्बी आपका निकल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि आई एक्स एक्स कॉम्बी भी आप यहाँ पे फाइंड आउट करके देखो तो आई एक्स एक्स कॉम्बी आपका क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं बोलूं कि भाई आई एक्स एक्स कॉम्बी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं ठीक है, तो आई एक्स एक्स कॉम्बी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो टू इंटू आई एक्स एक्स वन यहाँ पे आ जाएगा, प्लस एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया आपका क्या हो जाएगा टू ए वन हो जाएगा। लेकिन एक चीज बताओ आप मुझे यहां पर ठीक है, आप यहां पे एक चीज बताओ, क्या एक्स एक्सिस जो एक्स एक्सिस है क्या इसमें कोई चेंज आ रहा है, क्या एक्स एक्सिस आपकी शिफ्ट हो रही है, नहीं हो रही ना भाई, जहां से गई हुई है वहीं पे है, वो तो एज इट इज उसी प्लेस पर आपकी है, तो सीजी से कोई डिस्टेंस है क्या, नहीं है, जीरो जीरो हो जाएगा, हाँ जीरो हो जाएगा ना। तो मैं डायरेक्टली यहां पे क्या लिखूंगा, मैं डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं ए इंटू बाई स्क्वायर, और यहां पर बाई जो आपका है उसको मैं यहां पे लिखता हूं क्या जीरो, बाई आपका क्या है जीरो, ये पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो आई एक्स एक्स कॉम्बी जो आपका निकलेगा यहां पर वो किसके बराबर निकलेगा टू आई एक्स एक्स वन के बराबर निकलेगा, किसके बराबर निकलेगा वन के बराबर निकलेगा ठीक है। ठीक है ऐसा क्यों, तो आप यहां पे मेंशन कर लेना भाई ऐसा इसलिए हुआ है नो चेंज इन एक्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस के अंदर कोई भी चेंज आपका नहीं आया है ठीक है।
आया इतना समझ में? अब आप देखो यहां पे सबसे पहले जो शुरुआत में आपने पढ़ा था, सबसे शुरू में ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि मुझे आई मिनिमम बड़ा चाहिए, आई मिनिमम अगर बड़ा होगा तो आर मिनिमम की वैल्यू मुझे ज्यादा मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू कम मिलेगी, एफसीसी की वैल्यू ज्यादा मिलेगी और सिग्मा एसी की वैल्यू ज्यादा मिल जाएगी। सिग्मा एसी की वैल्यू ज्यादा मिलेगी तो इससे होगा क्या, अल्टीमेटली हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भी आपकी क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई आप जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या पढ़ रहे हो आप, जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे पढ़ रहे हो उस कॉम्बिनेशन में आप थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या चीज है आपकी यहाँ पे देखना कि अगर मैं आपसे बोलूं आई मिनिमम कॉम्बी, तो आई मिनिमम कॉम्बी जो आपका है वो आपका किसके बराबर है, आई बाई बाई कॉम्बी के बराबर है। अब अगर मुझे आई मिनिमम कॉम्बी को बढ़ाना है तो मुझे आई बाई बाई कॉम्बी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। किसको बढ़ाना पड़ेगा, आई बाई बाई कॉम्बी को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो आई बाई बाई कॉम्बी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आई बाई बाई कॉम्बी की अगर मैं बात करूं तो आप देखो आई बाई बाई कॉम्बी जो आपका है, ठीक है, वो आपका क्या था, वो था आपका 2 इंटू आई बाई बाई 1 प्लस 2 इंटू ए 1 इंटू सी बाई बाई प्लस एस बाई 2 का स्क्वायर, ये आपका आई बाई बाई कॉम्बी। अब इस आई बाई बाई कॉम्बी में आप एक चीज देखो, हम क्या चीजों को बढ़ाएं, हम इनमें से किस चीजों को बढ़ा सकते हैं। देखो आई बाई बाई वन आपके पास है, ए वन आपके पास है, सी बाई बाई है, एस एस आपके पास है, स्पेसिंग आपके पास है, तो हम किन चीजों को बढ़ाएं कि हमारा आई बाई बाई कॉम्बी की वैल्यू बढ़ जाए। अगर आई बाई बाई कॉम्बी की वैल्यू बढ़ जाती है तो आई मिनिमम कॉम्बी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जो हमारा ए ये जो हमारा आई बाई बाई बन है, क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं भाई। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपने स्टील टेबल से उठाई हुई है, और स्टील टेबल से अगर आपने वैल्यू उठाई हुई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू तो फिक्स होगी, मतलब इसको मैं नहीं बढ़ा सकता हूं, ठीक है, इसको मैं नहीं बढ़ा सकता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सी बाई बाई को देख लेते हैं पहले, ठीक है, सी बाई बाई की अगर मैं बात करूं तो क्या सी बाई बाई को मैं बढ़ा सकता हूं, इसको भी नहीं बढ़ा सकता हूं भाई, इसकी वैल्यू भी आपने आईएस कोर्स से ही उठाई होगी, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका फिक्स है, ठीक है, मतलब ये दो वैल्यू तो फिक्स हो गई है, इनको आप नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो हमारे पास ये आ जाता है एरिया, क्या आ जाता है, एरिया मेरे पास आ जाता है, ए बन बन आ जाता है, क्या मैं एरिया को बढ़ा सकता हूं, क्या मैं इस एरिया को बढ़ा सकता हूं, बिल्कुल बढ़ा सकता हूं, एरिया में बढ़ा सकता हूं, एरिया में कोई दिक्कत नहीं होगी अपने को बढ़ाने में, क्यों नहीं होगी दिक्कत, वो देखते हैं अपन, दिक्कत क्यों नहीं होगी, ठीक है, दिक्कत क्यों नहीं होगी, हम यहां पे क्या ले सकते हैं, वी यूज लार्ज सेक्शन, ठीक है, वी हम एक बड़ा सेक्शन यहां पे ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम यहां पर एक बड़ा सेक्शन ले सकते हैं और उस बड़े सेक्शन को लेके हम एरिया को बढ़ा सकते हैं, क्लियर। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम, आपको सेक्शन बढ़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास एक और चीज है जो आप बोल सकते हो ना, ऐसा बोलते हैं तुरक्का इक्का, वो वाली चीज हमारे पास एक और है जिसकी हेल्प से हमें आई बाई बाई कॉम्बी की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, और हमें ना तो सेक्शन बढ़ा लेना पड़ेगा ना हमें कुछ, ठीक है,
तो वो ऐसी क्या चीज अपने पास है, वो है हमारे पास स्पेसिंग, इसको हम बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस स्पेसिंग को हम बढ़ा सकते हैं, और स्पेसिंग को हम बढ़ाएंगे तो हमारा आई वाई वाई कॉम्बी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो अल्टीमेटली अगर मुझे आई वाई वाई कॉम्बी को बढ़ाना है तो हम किसको बढ़ाएंगे, यहाँ पे स्पेसिंग को बढ़ाएंगे, जो हम बैक टू बैक कनेक्शन दे रहे हैं ना, ये देखो आप, जो हम बैक टू बैक कनेक्शन दे रहे हैं, तो ये जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग आपको बढ़ाना है। ठीक है, अब ये स्पेसिंग अपन यहाँ पे बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाएंगे स्पेसिंग को वो देखना। अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज जो हमारी स्पेसिंग है एस, वो शुरुआत में मैंने जीरो रखी हुई, स्पेसिंग शुरुआत में कितनी है मेरे पास, जीरो स्पेसिंग है। अब अगर मैं इस स्पेसिंग को बढ़ाता हूं, मैं क्या करता हूं, इस स्पेसिंग को बढ़ाता हूं, तो स्पेसिंग अगर मेरा बढ़ेगा तो आई वाई बाई कॉम्बी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, स्पेसिंग अगर मेरा बढ़ेगा तो हमारा आई वाई बाई कॉम्बी क्या होगा, बढ़ेगा। I बाई बाई कॉम्बी अगर बढ़ेगा, क्लियर, तो I मिनिमम कॉम्बी भी बढ़ेगा, I मिनिमम कॉम्बी भी बढ़ेगा, I मिनिमम कॉम्बी अगर बढ़ेगा तो R मिनिमम भी बढ़ेगा, R मिनिमम अगर बढ़ेगा तो लैम्डा हमारा जो है वो लैम्डा हमारा क्या होगा, कम होगा, लैम्डा हमारा क्या होगा, कम होगा, और लैम्डा अगर कम होगा तो सिग्मा एसी हमारा क्या होगा, सिग्मा एसी हमारा बढ़ेगा। देखो स्पेसिंग को बढ़ाया तो आई वाई वाई कॉम्बी हमारा बढ़ा, आई वाई वाई कॉम्बी बढ़ा तो आई मिनिमम कॉम्बी बढ़ा, आई मिनिमम कॉम्बी बढ़ा तो आर मिनिमम बढ़ा, आर मिनिमम बढ़ा तो लैम्डा हमारा कम हो गया और सिग्मा एसी हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो सिग्मा एसी अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ भी आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ भी आपकी क्या होगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। लेकिन एक चीज यहां पे समझो, ठीक है, ठीक है, अब आप देखो, लेकिन इसकी एक लिमिट है, क्या है, एक लिमिट है। कैसा भाई, एक सर्टेन डिस्टेंस तक या सर्टेन स्पेसिंग तक अगर आप इन दोनों की स्पेसिंग को बढ़ा रहे हो तो ही आपका ये आई बाई बाई कॉम्बी क्या होगा, बढ़ेगा, अदरवाइज आपका क्या होगा, वही रहेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई आप खड़े हुए हो, आपके ऊपर मैंने एक 10 केजी का बैग रख दिया सर के ऊपर, आपने उसको इजीली ले लिया, ठीक है, मैंने अब 2 केजी और बढ़ा दिया वो भी आपने ले लिया, आपको 3 केजी बढ़ा दिया वो भी आपने ले लिया, 15 केजी ले लिया। अब अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आई वाई वाई कॉम्बी क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम फिर हमारा आई एक्स एक्स कॉम्बी हो जाएगा, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक अगर हम स्पेसिंग को बढ़ाते हैं तो ही हमारा आई बाई बाई कॉम्बी जो है वो इंक्रीज करेगा, क्लियर। तो सपोज अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि वो फिक्स डिस्टेंस जो मैं ले रहा हूं वो हमारा एस नॉट हो गया, मतलब इस एस को अगर मैं इस एस नॉट तक बढ़ाता हूं तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, आई बाई बाई कॉम्बी बढ़ेगा, क्लियर, आई बाई बाई कॉम्बी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये एस नॉट जो आपका यहाँ पे मैंने लिया है, इस एस नॉट के लिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं, इस एस नॉट के लिए एक पॉइंट लिख देता हूं, वह स्पेसिंग जिस पर आई बाई बाई कॉम्बी आपका बढ़ रहा है, ठीक है, वह स्पेसिंग जिस पर आई बाई बाई कॉम्बी आपका जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इससे अगर स्पेसिंग आपकी ज्यादा हो जाएगी
तो आपका क्या होगा, मतलब अगर मैं इसको फिक्स करके ना रख, क्लियर, तो फिर क्या होगा, एस जो आपका है वो फिक्स नहीं है, तो क्या होगा, देखो इफ एस इज नॉट फिक्स्ड, अगर आपने ये फिक्स्ड करके नहीं रखा है तो क्या होगा, जो हमारा आई बाई बाई कॉम्बी होगा वो हमारा ज्यादा हो जाएगा आई एक्स एक्स कॉम्बी से, तब क्या होगा, जो हमारा आई मिनिमम कॉम्बी होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, आई एक्स एक्स कॉम्बी के, किसके, आई एक्स एक्स कॉम्बी के, और आई एक्स एक्स कॉम्बी आपका होगा टू आई एक्स एक्स वन। आप ऐसा चाहोगे क्या, नहीं ना, ठीक है, तो हमें कितना रखना है, हमें एस नॉट तक ही स्पेसिंग को इंक्रीज करना है, इसके बाद नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप यहां पे समझना, तो मैंने क्या बोला कि भाई स्पेसिंग को मैं बढ़ा रहा हूं, लेकिन स्पेसिंग को कहां तक बढ़ा रहा हूं, भाई एस नॉट तक बढ़ा रहा हूं। एस नॉट तक अगर आप स्पेसिंग को बढ़ाते हो तो होगा क्या, अल्टीमेटली जो आई एक्स एक्स कॉम्बी आपका निकला हुआ है, ये आई एक्स एक्स कॉम्बी क्या होगा, आई बाई बाई कॉम्बी के बराबर हो जाएगा। इस डिस्टेंस तक आपका क्या होगा, आई एक्स एक्स कॉम्बी जो है आपका वो आई वाई बाई कॉम्बी के आपके बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, यहां तक क्या होगा, ये आपका बराबर रहेगा। इसके बाद अगर आपने और वो किया ना, तो ये आई वाई वाई कॉम्बी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको कहां तक रखना है, एस इक्वल टू एस नॉट तक रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं, भाई आई बाई बाई कॉम्बी को आपने बढ़ा रहे थे, तो अब आगे देखो आप क्या होगा। आगे अगर मैं आपसे बात करूं, तो जो हमारा आई बाई बाई कॉम्बी है, आई बाई बाई जो कॉम्बी है उसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टू आई बाई बाई वन, क्लियर, प्लस टू ए वन इंटू इंटू सी बाई बाई प्लस एस बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है हमारा। अब मैंने क्या किया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर ए नाम, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं इक्वेशन ए, इक्वेशन ए डिवाइडेड बाय ग्रॉस एरिया, डिवाइडेड बाय ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया मतलब कि आपका एजी हो गया, ग्रॉस एरिया बोथ साइड, और अगर आप बोथ साइड डिवाइड कर देते हो तो क्या लिख जाएगा आपका यहां पे आ जाएगा आई बाई बाई कॉम्बी डिवाइड बाई, आई बाई बाई कॉम्बी डिवाइड बाई टू ए वन, ग्रॉस एरिया यही होगा आपका कॉम्बिनेशन में, तो ठीक है। फिर आप क्या लिख सकते हो, टू आई बाई वन, आई बाई बाई वन डिवाइड बाई टू ए वन प्लस टू ए वन इंटू सी बाई बाई प्लस एस बाई टू का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू ए वन। ये मैंने दोनों साइड ग्रॉस एरिया से क्या कर दिया है, ग्रॉस एरिया से डिवाइड यहां पर कर दिया है, ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। अब आप देखो यहां पे समझना, बी नो डेट जो हमारा आर मिनिमम होता है, जो हमारा आर मिनिमम होता है
वो आर मिनिमम हमारा क्या होता है, वो आर मिनिमम हमारा होता है आई मिनिमम डिवाइड बाई ग्रॉस एरिया, और ये रूट लगा हुआ है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि आर मिनिमम का स्क्वायर, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, आई मिनिमम अपॉन ग्रॉस एरिया लिख सकता हूं। हाँ, तो देखो तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन बी, इक्वेशन बी क्या बोल रही है कि भाई आई बाई बाई जो आपका है, ठीक है, कौन सा है आई बाई बाई, आई बाई बाई कॉम्बी जो आपका है डिवाइड बाई टू ए वन, समझना इसको ध्यान से, फिर आपका टू आई बाई बाई वन डिवाइड बाई टू ए वन प्लस टू ए वन इंटू सी बाई बाई प्लस एस बाई टू का स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए वन। अब आप देखो ये टू ए वन जो आपका है इस 2a1 से आपका ये 2a1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट आपका हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो देखो i बाई बाई कॉम्बी अपॉन 2a1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r बाई बाई कॉम्बी लिख सकता हूं इसके द्वारा, ये जो आपका निकला है ना इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं r y y कॉम्बी, यहां पे क्या लिख सकता हूं r y y 1, और यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा c y y प्लस s y 2, ठीक है। तो देखो आप यहां पे आगे मैं क्या लिख दूंगा, आगे मैं लिख दूंगा r y y कॉम्बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर बाई बाई वन का स्क्वायर प्लस सी बाई बाई प्लस एस बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं सिमिलरली सिमिलरली आपने पढ़ा था आई एक्स एक्स कॉम्बी इक्वल्स टू टू आई एक्स एक्स वन, इक्वेशन वन मैंने नाम दिया इसको, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय क्रॉस एरिया इन बोथ साइड, तो बोथ साइड आप कर दोगे तो आई एक्स एक्स कॉम्बी डिवाइड बाई आपका आ जाएगा टू ए वन इक्वल्स टू टू आई एक्स एक्स वन डिवाइड बाई टू ए वन। इसमें क्या होगा, ये टू जो आपका है ये टू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो कि आर एक्स एक्स कॉम्बी जो आपका आया है इसका स्क्वायर इक्वल्स टू आर एक्स एक्स वन का स्क्वायर।
ठीक है, आया इतना समझ में? तो अब आप बोल रहे होंगे कि सर इसको निकालने का मतलब क्या निकला, मेरे को तो समझ में नहीं आया कुछ भी कि इसको निकालने से मतलब क्या निकला। तो अब देखो मतलब की अपन बात करते हैं यहाँ पे, अब आएगा आपका मतलब कि भाई हमने क्यों इतना सब कुछ किया। तो अब आप क्या बोलोगे कि फॉर मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी, फॉर मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा कि आपका जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग आपको एस नॉट के बराबर रखना है। अगर ऐसा होगा तो आपका जो आई एक्स एक्स कॉम्बी है वो आपका आई वाई वाई कॉम्बी के बराबर रहेगा। आई एक्स एक्स कॉम्बी को मैं क्या लिख सकता हूं, आई एक्स एक्स कॉम्बी को आर एक्स एक्स वन का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है, ये लिख दिया आर एक्स एक्स वन का स्क्वायर। और आई बाई बाई कॉम्बी को मैं क्या लिख सकता हूं, आई बाई बाई कॉम्बी को लिख सकता हूं आर बाई बाई वन का स्क्वायर, लिख सकता हूं तो देखो लिख सकता हूं आर बाई बाई वन का स्क्वायर प्लस सी बाई बाई प्लस एस बाई टू का स्क्वायर, लिख सकता हूं, लिख दिया इतना सब। तो अब आप देखो यहां पे समझना आर एक्स एक्स वन, ठीक है, नेक्स्ट आर बाई वाई वन, ठीक है, और नेक्स्ट सी बाई वाई वन, ठीक है, ये तीनों चीजों की अपन बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें आपकी हैं कहां से मिलेंगी आपको, फ्रॉम स्टील टेबल, जो भी सेक्शन है उसकी प्रॉपर्टी से आप निकाल दोगे, फ्रॉम स्टील टेबल से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और फ्रॉम स्टील टेबल से अगर आपने इन सबकी वैल्यू को पुट कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको स्पेसिंग मिल जाएगी फॉर मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी के, ये आप यहां पर फाइंड आउट कर लोगे। तो आपको यही तो निकालना है कि आपको स्पेसिंग कितनी रखनी पड़ेगी कि इस स्पेसिंग पर आपकी मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाए, क्या आ जाए, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाए। आई बात समझ में, हाँ, और क्लियर हो जाएगा जब अपन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ना, तब और क्लियर ये हो जाएगा कि अपन ने ये अभी किया क्या है, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और क्लियर आपको यहां पर हो जाएगा। ठीक, तो ये अपन ने बैक टू बैक कॉम्बिनेशन जो बनाया हुआ है, बैक टू बैक कॉम्बिनेशन के लिए हमने यहाँ पे स्पेसिंग की बात कर ली है भाई, की कितनी स्पेसिंग अपने को चाहिए मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए। ठीक, अगर कोई डाउट हो, कहीं पे कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे से भी पूछ लो, अगर कहीं डाउट हो आपको इस चीज में तो, ठीक है। ठीक, कोई डाउट नहीं है तो इसके आगे हमारा आता है फेस टू फेस कनेक्शन, क्या आता है, फेस टू फेस कनेक्शन, तो वो फेस टू फेस कनेक्शन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक,
उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फेस टू फेस कॉम्बिनेशन अपन देखेंगे कि फेस टू फेस कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा आपका, उसके बाद करेंगे अपन न्यूमेरिकल को सॉल्व, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, फेस टू फेस कॉम्बिनेशन एक दो रिकमेंडेशन है वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करके इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो अपन ने आज समझा है इसको एक बार घर पर अच्छे तरीके से बिना देखे समझना, लिख के देखना, ठीक है, आपको आ जाएगा समझ में। अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लेना, अपने क्लियर, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप वगैरह पे आपको जहां पे भी सुविधा हो आप उस हिसाब से पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, क्लास ओवर।